आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूजन किक्की में, और आज मैं लेकर आपको आ पहुंची हूं लखनऊ के रामलीला ग्राउंड में, जो कि है ऐशबाग में स्थित। और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ यहां पे उमड़ पड़ी है दोस्तों, तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023 के लिए। तो मैं बस आपको जो है नज़ारा दिखाऊँगी कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर है। पहले मैं आपको दिखाऊं दोस्तों कि जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अरेंजमेंट है, और भीड़ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप देख सकते हो। और सबसे पहले यहाँ पे राम भगवान की प्रतिमा है, और उसके साथ ही मैं आपको थोड़ा आगे लिए चलती हूँ। हालांकि मेरी तो ऊंचाई उतनी नहीं है कि मैं आपको जो है बाकी चीज़ें साफ साफ दिख पा पाऊँ। लोग तो कुर्सियों पर खड़े हो गए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ा सा क्लोज जाके जो है आपको वहाँ पर दिखाती हूँ कि क्या किस चीज़ें किस प्रकार का मंचन हो रहा है और कैसा नज़ारा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने यहाँ पे जो है एक युवक की सहायता ली और उनसे ये बोला कि आप जो है दृश्य दिखाएं कि किस प्रकार का मंचन है, क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो साफ साफ लिखा है, जैसा आप देखें, श्री रामलीला समिति ऐशबाग आपका हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन करती है 2023 के अच्छाई पे बुराई पे, माफ़ कीजिए, बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता हुआ जो आपका हमारा ये त्यौहार है दोस्तों। आज विजयादशमी है, और आज है जो है रामोत्सव में यहाँ पे होगा लंका दहन। जी हाँ, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण की प्रतिमाओं को जो है वो अग्नि से खंडित किया जाएगा श्री राम के द्वारा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपको रावण की जो है वो यहाँ पुतला दिख जाएगा। और हालांकि बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी भीड़ है, तो मैं यहाँ पे जो है युवक की मदद से जो है वो आपको यहाँ पर दिखला रही हूँ कि किस प्रकार से जो है रावण का पुतला जो है वो डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया। और बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों, तो एक महिला होने के नाते इतनी भीड़ में खड़ा रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं। जब हम चलेंगे थोड़ा आगे और फिर देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। इसों के साथ मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। लखनऊ की आधी से जनता जो ज़्यादा है वो यहीं पे उमड़ पड़ी है, रश बहुत अधिक है। तो वो आप एक नज़ारा वो भी देख लो कि कितनी भारी भीड़ है। और सच बताऊं तो एक खास वर्ग है जो ऐसे जो है रावण का जो पुतला दहन है, जो आपका लंका दहन है, उसमें आने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, बहुत सारे लोग यहाँ पे खचाखच भीड़ है। अंदर की तरफ मैं आपको अगर दिखाऊं तो वहाँ सिर्फ आपको सिर ही सिर दिख रहे होंगे, जो ये दिखा रहा है कि कितनी भारी भीड़ यहाँ पर है। और लगातार जो है वो रंगारंग कार्यक्रम मंचन चलता हुआ, और बहुत ज़्यादा भीड़। एक झलक मैं आपको भीड़ के ऊपर दिखाती हूँ कि किस प्रकार की भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग इस रामलीला मैदान में उपस्थित हैं। हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी अधिक है दोस्तों, आबादी इतनी घनी है कि कहीं भी आप नज़र उठा के देखें तो भीड़ ही भीड़ जो है वो नज़र आ जाती है। मैं आपको बाहर का जो मेला लगा है वो भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके का बिल्कुल जो हमारा पहले के स्तर पे मेला लगता था, ठीक उसी प्रकार से लगा हुआ। आपको यहाँ पर गुब्बारे दिख जाएंगे, बच्चों के बहुत सारे जो खिलौने हैं, झूले हैं, छोटे छोटे जो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और काफ़ी ज़्यादा रश है दोस्तों, चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो एफर्ट है वो पसंद आ रहा होगा। तो आप मेरे साथ देखते चलिए, झूले हैं बहुत सारे, और इस प्रकार की चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे मिल रही हैं। और भीड़ अगर आप एक नज़र देखो तो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसी भीड़ में थोड़ा बहुत दो चार कदम आगे डालते हुए हम जो है आपको वो चीज़ें दिखाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप देखो दोस्तों कि कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, और बच्चों के झूले, कॉटन कैंडी, खिलौने, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों, लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब इतनी भीड़ उस वक्त नहीं थी, या शायद मैं पहले आई थी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आपको एक बार चारों तरफ का नज़ारा जो है वो भी हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे जो समा है वो बंधा हुआ है, और हज़ारों हज़ार की संख्या में जो लोग हैं श्री राम लीला ऐशबाग लखनऊ में आनंद लेते हुए। और बहुत ही बढ़िया और अच्छा नज़ारा यहाँ पे है दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर भी हम आपके लिए खास जो है यह वीडियो लेकर आए, ताकि आप देख सकें अपने घर पर बैठे बैठे लखनऊ के अंदर रामलीला का यह भव्य मंचन। तो तब तक के लिए आपसे लूँगी विदा, नमस्कार।